हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं जो 52 डॉट से ऊपर जाके काफ़ी एक चर्च है, लगभग 100 साल पुरानी चर्च है। तो हम कितना मुझे हमें टाइम लगा यहाँ से वहाँ जाने में और कैसा रास्ता था, तो वीडियो लास्ट तक देखना। अब ये टी ब्रेक लेने के बाद हम चले हैं वापस। चल मैं तेरे अभी टायर टेढ़ा हो गया, पता नहीं क्यों हटना यार। हमें और ये हमें इस रोड पे जाना था और इस रोड पे हमें डाल दिया बेसिकली। रोड तो ये भी जाती है ऊपर, वो भी चले जाती है, वो गाड़ियां भी थोड़ी दूर तक ही है पक्की रोड, उसके बाद ये कच्ची रोड आ जाएगी। तो अभी तो साथ बन गई है ऊपर वाली रोड काफी ठीक ठाक। जब हम इससे पहले आते थे तो काफी खतरनाक आए यहाँ पे बड़ा सीन। तो अभी कच्चे रास्ते पे आ चुके हैं हम। एक बाइक हमने वहाँ रेस्टोरेंट पे खड़ी कर दी थी, एक में डिफॉल्ट आ चुका है, अब वो भी खड़ी कर भाई चांस। तो अभी ये भी खड़ी करेंगे, ये दिवाकर भाई की स्प्लेंडर। उसके बाद बाइक हमारे पास काफी है, बाइक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से पहाड़ों का बड़ा सीन बढ़िया आता है। मनदीप ने दिवाकर भाई की बाइक खराब कर दिया, इससे पैसे ले लेना ठीक है, पूरा क्लेम करना केस FIR। और धीरे धीरे हमारा प्रमोशन की जगह डिवोशन हो रहा है। एक बाइक तो हमने खुद खड़ी कर दी थी, एक को प्रॉब्लम आ गई तो उसको वहीं रोड पर खड़ी कर दिया। सही, दो दो बातें सही है। रामा चौड़ का पूरा व्यू दिखता है यहाँ से बड़ा सही, वहाँ देखो। तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं अभी, क्योंकि हम काफ़ी बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेट भी हो चुके हैं काफ़ी। तो अभी हम काफ़ी लेट भी हो चुके हैं। पूरा प्लान है वो है सुखचैन, और अगर लास्ट में क्या होता है कि ना प्लान बनाते हैं सुखचैन लोग या ये दूसरे बंदे, और लास्ट में नाम लगता है यानी कि मेरा, क्योंकि सब मेरे से। एक बात बताऊँ मनदीप भाई, बहुत बढ़िया आज मौसम भी हुआ पड़ा है, और धूप है पर इतनी नहीं है कि बिल्कुल गर्मी कड़कती पड़े। फैंटास्टिक, धमाल कमाल का व्यू आ चुका है, और ये पुल आ चुका है, और नीचे वहाँ टैंकर भर रहा है पानी का। और ये लेह लद्दाख की वादियों में आ चुके हैं हम, ऐसी फीलिंग है अगर आपने 50 रुपए का तेल डलवाया है और लेह लद्दाख की फीलिंग लेनी है तो 52 डार से ऊपर को आ जाओ। अगर आपको रास्ता नहीं पता मैं खाली होता मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा आपके साथ, 50 का तेल मैं भी डाल दूंगा, मजा आ पूरा आ जाएगा, पूरा ले लो ताकि फीलिंग आएगी खाली। और यहाँ पे झरना है जो गायब हो चुका है, धरती में घुस चुका है झरना, पहले काफी खतरनाक था। और अभी कलविंदर भाई ने बताया कि सनी भैया हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, थैंक यू सनी भैया सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। कौन एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया है? कौन? गौरव भाई। ओ बधाई हो, बधाई हो, कौन? ये पीछे ले। हमारे भैया ये पहले पुराने पुराने हैं। अरे यार पुराने सब पीछे देखते हैं। ये स्प्लेंडर इन्हीं के व्यू से तो ली है मैंने। चलो चलो आगे बढ़ाइए। मनदीप थोड़ा सैड हो जाए यार, गोबर आ रहा था बीच में और अब सीन बहुत बढ़िया। हेलो अंकल, वाह वाह टाटा की बाइक का मैसी ट्रैक्टर की तरह मोशन बना के चलानी पड़ रही है। और ने स्प्लेंडर जो स्प्लेंडर बाइक है उनकी नाक कटा के रखी हुई है। मेरी इससे 3 साल पुरानी बाइक और इतनी बढ़िया चढ़ती है, इसको चाहे ले लद्दाख ले जाओ, बसानी की सड़कों में भी नहीं चढ़ पा रही है, बताओ। हम कंफ्यूज हो चुके हैं, एक रास्ता ये जाता है और हम यहाँ रास्ते से जा रहे हैं लद्दाख। और ये एक और पुल आ चुका है ऊपर। अभी कलविंदर भाई बेसिकली ये कह रहे थे कि हम जौन से पुल से ऊपर आए हैं वही पुल तो नहीं है, पर ये वो नहीं है, ये दूसरा पुल है। बेसिकली ना मनदीप जो है ये अपने आप को सयाना बहुत समझता है। अल्मोड़ा वाली वीडियो में भी ये बहुत बकवास कर रहा था पीछे से, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू स्पीक देन डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मी, यू अंडरस्टैंड।
इसलिए लेह लद्दाख का ना प्लान बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ही बहुत बेकार है, 5-5 मिनट में रुक जाते हैं और इनको धूप बहुत लगती है। वैसे ये आर्मी के फैन है, ये आर्मी में जाएंगे और इनको धूप से इतनी एलर्जी बहुत तगड़ी वाली। फैरम लवली लाया कर, ओद ना रंग चिट्टा रहिंदा है। मैं ना आपकी मझ नू लाना पूरी घर ती में रंग ला ला के। यकीन करो भाई बड़ी ठंडी हवा चली है, बहुत ज्यादा सही ठंडी हवा चली है यार, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बाकी अगर नैनीताल से जाने से अच्छा मेरे हिसाब से तो यहीं आ जाओ, खर्चा भी कम लगता है। पहली बात तो तेल बहुत कम लगता है। मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में मेरी वीडियो देखी आपने तो मैंने कहा था कि टैंकी में मैं तेल डलवाना भूल गया था, तो अभी बाइक वगैरह तो काफ़ी है, अगर ख़त्म होगा भी तो दूसरी बाइक में से डाल लेंगे, पर जहाँ तक उम्मीद है वापस चली जाएगी क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, ऑफ रोडिंग ज़्यादा पड़ती है, बाकी किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, अच्छा बेहतरीन है। भाई से बुलेट मोड़ रही है और जेसीबी वाले ने जेसीबी मोड़ ली, तो बुलेट नहीं मोड़ दे यार, जाओ 5-7 बंदे जाओ यार। और रास्ता ब्लॉक हो गया था, कुलविंदर भाई बहुत बातचीत है और ये रास्ता बंद हो चुका है, हम फंस चुके हैं यहाँ पे, इधर फंस चुके हैं हम नैनीताल जा रहे थे, हम रास्ते में फंस चुके हैं और कोई चावल वावल आज अगर रस्ते में फंस गया वो बाल के खा ले, बात नहीं हमारे चढ़ चाज हमारे अंग्रेजों ने बनवाया था, चलो ओ नहीं रे मारो ओ रेंडो 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 अरे बैठ के जा यार यार आ जा। और ये आधे घंटे के बाद रास्ता खुल चुका है, आ जाओ आ जाओ, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, लव यू गाइस। रास्ता है नहीं, रास्ता खुला है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत तगड़ा। और यहाँ पे जो वर्कर वगैरह हैं वो यहाँ पे रहते हैं, अभी वहाँ पे लगा हुआ था जाम बहुत तगड़ा, और जो आपको दिख रहा हो तो अभी भी लगा हुआ है, जेसीबी वगैरह वहाँ काम कर रहा है। और ये पहाड़ काट काट के पूरी रोड बन रही है, कुछ लाइन से जा रहे हैं बिल्कुल सेफ्टी से, साइड साइड में जा रहे हैं आराम आराम से। बाकी सब तो जा रहे हैं बाइक पे और मैं और वो भाई जा रहे हैं पैदल। वो देखो वहाँ पे ना फार्म टाइप का है, खेती वगैरह होती है, वहाँ पे घर वगैरह बन रखे हैं। ये पहाड़ी है शायद, वहाँ पहाड़ी है, पता नहीं प्लेन का एरिया है, पहाड़ी है लगभग, और वहाँ पूरा लामा चौड़ वगैरह दिख रहा है वहाँ पे। थोड़ी सी सांस चढ़ रखी है क्योंकि पैदल चल रहा हूँ मैं, क्योंकि दो जाने बाइक में इसलिए नहीं बैठे, थोड़ा सा पहुँच चुके हैं बाइक लेके आ गए, दो जाने इसलिए नहीं चढ़ रहे थे क्योंकि इसमें चढ़ भी नहीं रही थी, पीछे पत्थर पड़े थे बहुत सारे और काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं, साथ भी चढ़ चुकी है। अभी सोच रहे थे यार अगर पानी वगैरह की बोतल लाए होते तो ज़्यादा बेटर हो जाता। बाकी मिस यू आयन भाई, मिस यू पारस भाई, आप नहीं आए इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा कुलविंदर भाई ने कहा था मेरे से कहने के लिए। बाकी तुमसे बड़ा प्यार है मेरा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो बेसिकली हम आगे चले गए थे काफ़ी, वहाँ से वापस आए हैं। तो यहाँ से जाता है चर्च का रास्ता, मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा, तो आगे हम गए तो वहाँ से एक भैया ने बताया हमें कि यहाँ से है रास्ता, तो अभी कोरोना मतलब कि कोरोना चल रहा है तो इस वजह से अंदर तो नहीं जाने देंगे। देखो कहाँ कहाँ से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।
यहीं पे बाहर ही अभी घूमेंगे, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से गांव, वो गांव दिखता है शायद, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो पूरे घर वगैरह बने हुए हैं। और ये सब है मेरे साथी नामदेव सिंह, और ये पता नहीं पाइपलाइन से पानी आ रहा है पीने वाला। फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे जाते हैं वापस घर को जाते हैं। और ये चर्च के बाहर खड़े हैं, हम काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह पड़ी है। और नवजोत भाई हमें आगे छोड़ आए थे, वापस आ गए थे खुद ही, हम पैदल पैदल आए वहाँ से। और नवसुख चैन यही है मास्टर माइंड। और अभी लॉकडाउन लग रखा है इसी वजह से अंदर तो नहीं जा सकते, पर बाहर से आपको दिखा देते हैं, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे पता नहीं कोई है या नहीं है, काफ़ी अच्छा है अंदर है। तो यहाँ से अगर आपको मार्केट वगैरह जाना होता तो कहाँ से जाते हैं आप? तो यहाँ से इतना जाते हो आप? अभी तो रोड बन गई है, पहले तो रोड भी नहीं थी ना। अपनी मोटरसाइकिल आते बैंड बज गई यार। यहाँ से नैनीताल भी आता पड़ता है ना, जितना फतेहपुर पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम बाहर खड़े हैं, शायद भैया कह रहे थे अंदर जा सकते हो। तो अभी एक भैया से पूछा था, वो कह रहे थे कम से कम 100 साल से पुरानी जो चर्च है ये, तो यहाँ पे घर वगैरह हैं काफ़ी, यहाँ पे घर वगैरह हैं। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि इतना सफ़र तय करके आए हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी है, काफ़ी बेहतरीन है। तो मेन प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि ये इनको यहाँ से फतेहपुर तक पैदल जाना पड़ता है, तो हम बाइक में आए कम से कम हमें लगभग 2 घंटे लग गए हैं यहाँ आने में। शायद हम रुक रख के भी आए हैं, जाम लगा है, पर 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो ये अभी पैदल जाते इतना, हम बाइक में थक चुके हैं, थोड़ा सा हमें चढ़ाई पड़ी है और हम थक चुके हैं, तो ये बेचारे पैदल जाते हैं। अगर इनको कोई सामान भी लेना होता है तो भाई लोग खड़े, वो अंदर जा रहे हैं, तो अभी मैं भी देखता हूँ अंदर जाने का। वो भैया तो कह रहे थे कि अभी कोरोना चल रहा तो अंदर नहीं जा सकते हो, भाई एक और मिले थे वो अंदर से बाहर आ रहे थे, वो कह रहे हैं आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जाते हैं अंदर, अगर शायद कुछ वीडियो वगैरह दिखा पाऊँ मैं आपको। बाकी इतना फैंटास्टिक व्लॉगर तो है नहीं हम, और मैं चर्च भी पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ रूल वगैरह इनके पता नहीं है। तो इसकी डेट लिखी हुई है बेसिकली यहाँ, जब 35 to 36 करके कुछ लिखा है, बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो अभी जो फादर अभी नहीं जा रहे हैं, हम वापस जाएंगे। चलो फिर चलिए, जा रहा हूँ वापस। और जा रहे हैं वापस, शायद आगे जाएंगे वापस घर। और जिनने प्लान बनाया उसी ने प्लान ठप कर दिया है, इसका तेल खत्म हो गया मेरी मेरी बाइक। और अब बोतल नहीं मिल रही है, बोतल से डालेंगे हम तेल, दूसरी बाइक में से निकाल के। जाओ एक जाना जाओ, जा तेरे ही प्लान ही सारे लेके आऊं, जा बोतल ले आके खाली, मैं साफ साफ बोतल लेके आई दी वैसे भी। और ये मनदीप कबाड़ी बोतल लेके आए हैं। हां ये कबाड़ के लिए है ना यार, फड़ो यार, मैं की करा, कड्डो तेल च तेल हैगा। ओ नाइस 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 नाइस, तेरा तेल नाइस, काड च पूरी बोतल काड। अरे अरे काड ला यार, सोची लोना पेना। पूरी बोतल और इसमें से तेल निकलेगा और इसमें डलेगा। और किसी की बाइक में तेल डालना है? अभी उसमें काफी तेल है तो अभी इसमें डालें। ओ पानी है, पहले पानी काट दिया मेरे वीर, इंजन खराब हो जाना है, इंजन खराब हो जाएगा ब्रो, तुम मेंटेन नहीं करते बाइक, तभी तो इंजन सीज हुआ इसका, कादी वाली है। मनदीप कवाड़ी कैसी बोतल लाए बेटा आप, कैसी बोतल लाए? किसने और ये सुखचैन का दिल बड़ा छोटा है, जितना ये लंबा उतना इसका दिल छोटा है। अब नामदेव बाइक की बाइक में से निकालेंगे तेल, फड़ी और बोतल फड़ी, मेरे दोनों हाथ तक फड़े यार, पागल वेले बैठे। इसको करो डबल में, चाहे तू बंदा वधिया नहीं गा यार। 1 लीटर तेल पीछे मर गया, 1 लीटर तेल पीछे दोस्ती में 1 लीटर तेल आ गया। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, है? अच्छा लग रहा है घूम के। आई ला लो,
कोल्ड ड्रिंक ब्रेक हाथ तो बेटा काले होने से कोल्ड ड्रिंक ब्रेक ओ नो यार अरे आगे वाली दुकान पे होंगे। और ये कलविंदर भाई सीआईडी में भर्ती हो सकते हैं, इन्होंने केस सॉल्व कर दिया है। कौन सा डिस्पोजल का ढूंढ दिए डिस्पोजल के गिलास और क्या क्या फंसे तो यार एक एक सर ना मैं नहीं खाना भी सात ही चलो आठ लगा दो आठ लगा दो। और ये कोल्ड ड्रिंक ब्रेक बाद में तो हम है नामदेव भाई सर्व कर रहे हैं सीधा सीधा साहब हो जी 10 से लगा लेंगे और बिजी पैसे जो खराब चढ़ गई फिर की कर दे माउंटेन ड्यू चाक के फिर कह रहा जी की डर के आगे जीत आ यार ये डर गया इसको पिलाते फिर ये क्या पता चले जाता है ना मैं एक ही खाऊंगा बस वीर लवाई एक एक यार एक खवा दे एक बाइट खवा दे मैं नहीं खाना यार